हेलो व्हाट इज अप भाई लोग, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। फाइनली अब वार्डन को अपने गेम में लाने के लिए आपको कोई भी बाहर से अलग से मॉड डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए एक नया अपडेट आ चुका है जिसमें माइनक्राफ्ट में वार्डन, एले और एंशिएंट सिटी को ऐड कर दिया गया है। ये माइनक्राफ्ट कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये माइनक्राफ्ट का बीटा अपडेट है। अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंशिएंट सिटी आपको बहुत ही ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा और आपको एंशिएंट सिटी में बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे चेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको इंचेंटमेंट बुक, पोर्शंस और बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। एंशिएंट सिटी में आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं सब में आपको कुछ इस टाइप का छोटा सा स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। अगर आप जाके इसके ऊपर चढ़ जाते हो तो आपके अगल बगल कहीं से जमीन के अंदर से वार्डन निकलेगा। और जैसा कि आप लोग को पता है कि वार्डन अंधा है, उसके पास आंख नहीं है, इसीलिए वो आपका आवाज सुनकर आपके तरफ आएगा। और अगर आपने द राइट कार्मर पहन रखे हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा 2 हिट लगेंगे आपको मारने के लिए। और अगर आप कोई और आर्मर पहन रखे हो या फिर आर्मर नहीं पहन रखे हो तो वो बस आपको आके छू भर देगा और आप खत्म हो जाओगे। दिन के टाइम आप वर्ल्ड के सरफेस पे आप वार्डन को स्पॉन नहीं कर सकते हो। अगर आप उसको स्पॉन करते हो तो उसके बाद वो फिर से जमीन के अंदर चला जाएगा। वार्डन सिर्फ और सिर्फ रात के टाइम और अंधेरे में स्पॉन होता है, और जबकि एंशिएंट सिटी में हमेशा ही अंधेरा रहता है, इसलिए वो कभी भी वहाँ पे स्पॉन हो सकता है। अब माइनक्राफ्ट का इतना बड़ा वर्ल्ड है तो आपको एंशिएंट सिटी ढूंढने में थोड़ा तो मुश्किल होगा ही, इसीलिए अगर आपको एंशिएंट सिटी ढूंढने में थोड़ा भी मुश्किल होता है तो आपको अपने चैट बॉक्स में /locate एंशिएंट सिटी डालना है और आपका एक स्क्रीन पे कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। और सिंपली आप उसी कोऑर्डिनेट्स पे जैसे ही आप टेलीपोर्ट होगे आप एंशिएंट सिटी के अंदर पहुंच जाओगे। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लेटेस्ट माइनक्राफ्ट का बीटा अपडेट का लिंक मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं आपको छोटा सा टिप्स देना चाहूंगा, अगर आप एंशिएंट सिटी में जाते हो तो अपने साथ कुछ नाइट विजन के पोर्शंस कैरी कर लेना, क्योंकि अगर आप वहां पे जाते हो वहां पे टोटली अंधेरा होता है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और भाई एक चीज और, वर्ल्ड बनाते टाइम पे एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले को ऑन कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी टाइप के बहुत सारे अमेजिंग कॉन्टेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पे। मुझे पता है आज का वीडियो कुछ ज्यादा ही छोटा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।